मास्टरबेट करते हैं। आपने पहली बार सेक्स कब किया? क्या आपने सहमति मांगी थी? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब ये सुनकर कोई इसे बंद कर देगा, कोई बाद में देखने के लिए सेव करेगा, तो किसी का हाथ सीधे वॉल्यूम बटन पर जाएगा। लेकिन आप घबराइए मत, हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएंगे या बताएंगे जिससे आपको इनमें से ऐसा कुछ भी करना पड़े। नमस्कार, मैं दीति फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। लेकिन ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। सेक्स, जिसको लेकर बात करने में भी हम कतराते हैं, लेकिन सेक्स का सही ज्ञान होना उतना ही जरूरी है जितना किसी और विषय का ज्ञान। हमारे देश में मेडिकल कॉलेज तक में सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही हमें मास्टरबेट और यौन हिंसा के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी सामाजिक समस्या है जिनके कारण और इनके समाधान भी निकाले जा सकते हैं। इसके लिए हमें सेक्स शिक्षा के माध्यम से सही जानकारी देने की आवश्यकता है। पहले माता पिता अपने बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं कर पाते थे। वे अब बच्चों से इस विषय पर बात करने में अनकंफर्टेबल मानते थे, लेकिन अब इन विषयों पर बच्चों से बात करना चाहते हैं। पेरेंट्स जरूरी समझते हैं कि ऐसे में अब जानना जरूरी है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब देना जरूरी होता है। वे अक्सर इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि सही उम्र क्या है और बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में कैसे बताया जाए। सारे स्कूल्स में यौन शिक्षा बहुत जरूरी है। एडोलेसेंस में ज्यादातर बच्चे मनमोजी हो जाते हैं, वे बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिनके बारे में वे सही तरीके से जानते भी नहीं। आज के समय में लोग इंटरनेट के माध्यम से हर चीज जान लेते हैं। इसमें बहुत सी चीजें ठीक भी होती हैं और बहुत सी चीजें गलत भी। जो बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं, वे सेक्स की बातों को अलग ढंग से लेते हैं। अगर बच्चों को ठीक समय पर यौन शिक्षा नहीं दी जाती तो वे इसके बारे में जानने के लिए गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। अगर स्कूलों में यौन शिक्षा दी जाएगी तो इससे बच्चे जिम्मेदार बनेंगे और उनका दिमाग भी विकसित होगा, वे गलत रास्ते पर जाने से भी पहले सोचेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी कुछ बातों के बारे में जो बहुत जरूरी है महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए। इसके साथ ही लोगों को अभी तक नहीं पता है या उनको जानकारी नहीं है कि उन्हें सेक्स करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कॉन्डम का उपयोग जरूरी है। सेफ सेक्स करने के लिए लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आज भी ऐसे लोग हैं जो कॉन्डम के इस्तेमाल से बचते हैं। उन्हें कॉन्डम क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कॉन्डम के इस्तेमाल को लेकर महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितने पुरुष। इसके साथ ही क्लीनिनेस का भी उतना ही ध्यान रखें जिससे आप सारी बीमारियों से बच सकते हैं। व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान सिखाइए। सेक्स का एक बड़ी वजह ये भी है कि व्यक्तिगत सीमाएं आप बच्चों को नहीं सिखाते हैं। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि हाँ या ना कहने में कोई शर्म नहीं होती। ऐसी चीज में सबसे ज्यादा लड़कियों को सीखना चाहिए और साथ ही लड़कों को समझना चाहिए कि नो मीन्स नो होता है। आप किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों की वजह से रेप क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। कितनी सारी लड़कियों के ना को ना नहीं समझा जाता और उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि निश्चित रूप से कुछ महिलाएं हैं जो अकेले ही पेनिट्रेशन के माध्यम से संभोग कर सकती हैं, जबकि दूसरों के लिए इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हर महिला चाहती है कि उनका पार्टनर भी फिजिकल इंटिमेसी के बारे में जागरूक रहे और उसे सारी जानकारी रहे। चलिए अब इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि यौन शिक्षा कैसे दी जा सकती है। एकदम से ही लोग सेक्स के मामले में खुलकर विचार प्रकट नहीं कर सकते, इसीलिए धीरे धीरे हमें सेक्स एजुकेशन पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। इसमें यौन शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल कीजिए। सबसे पहले बच्चों को सेक्स के बारे में जानकारी दीजिए। बच्चों को जो अध्ययन सामग्री दी जाए उसमें किशोर अवस्था में ही जोखिम भरे चीजों से निपटने के तरीके भी मौजूद होने चाहिए। इसमें शारीरिक शोषण, गर्भधारण और जबरन यौन संबंधी वाले टॉपिक्स को भी शामिल करना चाहिए, जिसकी जानकारी बच्चों को जरूर होनी चाहिए।
इन स्कूलों में गर्भ निरोधक तरीके की शिक्षा भी देना बेहद जरूरी मानी जाती है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में लगातार तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग बड़े बड़े मंचों पर आकर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बातें तो करते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए हमें स्कूलों में ही बच्चों को इस बारे में शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा को पहुंचाना भी चाहिए। इससे बच्चों को इस तरह की शिक्षा भी जरूर देनी चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए आप फिल्म स्क्रीनिंग कर सकते हैं स्कूलों में। सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि घर पर भी बच्चों के साथ माँ बाप इस तरह की जानकारी लेने के लिए ऐसी कई फिल्म्स भी देख सकते हैं। ऐसी कई फिल्म्स बनाई भी गई जिनको आप देखकर सेक्स एजुकेशन जैसी चीजों को समझ सकते हैं, जैसे कि OMG 2, जन्नत में जारी, सेक्स एजुकेशन वेब सीरीज जैसी कई ऐसी फिल्म बनाई गई है जो सेक्स एजुकेशन को लेकर जागरूकता बढ़ा सकती है और आप इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ ऐसी फिल्म्स देखनी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को ढंग से सब कुछ समझा सके। इसमें से किसी भी तरह का संकोच आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को सेक्स से लेकर बातचीत करने में कतराते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि हम इस बारे में नहीं बात कर सकते, तो सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को जरूर दीजिए, जिससे आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोक सकते हैं। सेक्स जैसे टॉपिक्स को बस एक सिलेबस में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे अच्छे तरीके से स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे सेक्स के महत्व को समझें और यौन शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।